बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने नाज़रीन के लिए ब्रेड क्रम्स जो हैं तीन तरीक़ों से बनाने के तरीके बताने लगी हूँ। बाज़ार से जो बने बनाए मिलते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। एक तरीके से तो मैं ये रस से आपको बताऊँगी और दूसरा ये ब्रेड से दो तरह के तरीक़ों से बताऊँगी, और बहुत ईजी हैं और बहुत आसान भी हैं। बाज़ारी अगर हम लेने जाएँ तो वो बहुत महंगे पड़ते हैं, ये बनाकर हम इसको सेव भी कर सकते हैं, ये हमारे बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, मैं आपको इनको बनाने का तरीका बताती हूँ। हम ये देखें, ये ब्रेड ले लेनी है, इसको हमने जो है छुरी के साथ साइडों से, ये जो ब्राउन कलर के होते हैं इनके, हमने ये चारों साइडों से इनको कटिंग कर लेना है। ठीक है, ये देखें, ये देखें, आप देख सकते हैं इनको कटिंग कर लिया हमने। इसी तरह मैं बाकी सब भी काट लूँगी, और ये जो है इनको हमने धूप में जो है वो सुखा लेना है। ठीक है, धूप में सुखाने से, अगर हमारे पास चॉपर नहीं है तो हम धूप में सुखा लें तो ज़्यादा ईजीली हमारे जो है वो हो जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने कटिंग कर ली हैं और ये साइड पे रह गई हैं। जो साइड पे रह गई हैं वाइट ब्रेड, उनको हमने चॉपर पे चॉप कर लेना है। ठीक है, अगर हमारे पास चॉपर नहीं है तो हम इसको धूप में भी सुखा कर इसको अच्छे से जो है इसका चूरा बना सकते हैं। जो कुंडी का डंडा होता है उसके साथ भी हम डंडे से इसको बारीक कर सकते हैं, वरना चॉपर तो ज़ाहिर सी बात है कि उसमें हमें ज़्यादा जो है ईज़िली ये हम इसका मिल सकता है। अगर चॉपर भी हम नहीं है तो जिसमें हम मसाले अपने पीसते हैं तो उस मसाले के डब्बे में भी डालकर इनको हम बारीक कर सकते हैं। अच्छा जी, जो रस का है ये तो फ़ौरन आप हाथ से इसको प्रेस करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त सा चूरा मिल जाता है। ये भी हमारे ब्रेड क्रम्स जो हैं बहुत ज़बरदस्त होते हैं, इनके साथ भी हम अपनी चीज़ें जो हैं वो अंडा लगाकर और फिर इसके बाद दूसरे स्टेप में ये लगाकर तो बहुत अच्छी से हमारी जो क्रिस्पी सी चीज़ें फ्राई होती हैं, और जैसे नगेट्स हो गए तो उनमें जो क्रिस्पीपन होता है वो इन्हीं की वजह से होता है। तो जो रस का है वो भी बहुत बेस्ट है, और बाकी भी जो आपको अवेलेबल है वो इन तीनों चीज़ों का कर सकते हैं। ये देखिए मैंने फ़ौरन हाथों से ही कर लिया है, तो ना धूप में रखने की ज़रूरत है रस को। और ये देखिए, ये हमारे पास तीन तरह का जो ये जो है, ये जो मैंने ब्रेड के साइडों से ब्राउन कलर का उतारा था ये हमें ज़रा ब्राउन शेड में थोड़ा मिला है, और ये जो है सामने जो बिल्कुल वाइट कलर का, ये ब्रेड का ब्रेड के जो हैं वो उनके मैंने बनाए हैं, और ये जो है सेंटर में ये इस ब्राउन जो है ब्रेड थी ये उसका है। ये जो मेरी फिंगर है जिधर, ये मैंने रस का जो आपके सामने रस का चूरा किया था ये उसका बना है, और ये जो दूसरा है ये जो है मैंने जो ब्राउन साइडों से उनके उतारे थे, क्योंकि वो ज़ाया नहीं करने चाहिए तो उसको हम धूप में सुखा के मैंने उनका बना लिया। अच्छा जी, ये वाइट ब्रेड जो मैंने चॉपर में चॉप की ये उसका बन गया। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।